क्लास हाउ आर यू ऑल. आई एम योर मैथ टीचर हरप्रीत कौर फ्रॉम बाबा किशन दास पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल विलेज लाना डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहब. स्टूडेंट्स, इन लास्ट वीडियो यू हैव डन एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 and 2. टुडे वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 3.2. लेट मी सी व्हाट इज द क्वेश्चन. फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन. आपने HCF पता करनी है, पर क्या यूज़ करना है, कौन सा फॉर्मूला, प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड जो है वो यूज़ करना है. तो सबसे पहले हमें A पार्ट दिया हुआ है, देखो 18, 27, 18 और 27 दिया हुआ है. तो सबसे पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में ऐसे ही पता करना है. देखो अब 18 देखो 2 के टेबल में आता है, यहाँ पर लिखेंगे हम टेबल 2 कब आता है, 9 में. यहाँ पर लिखेंगे हम 9, 2 9 18. इसी तरह अब 9 देखो 2 के टेबल में आता है, नहीं आता. 3 के टेबल में आता है, यस. तो 3 के टेबल हम यहाँ लिखेंगे 3 कब आता है, 3 3 9. उसी तरह अब ये 3 3 1 3. अब हम लेंगे 27. अब देखो 27 जो है 2 के टेबल में आता है, नहीं आता. 3 के टेबल में आता है, यस. तो 3 का टेबल हम यहाँ लिखेंगे, कब आता है, 9 पे. 3 9 27. अब देखो 9 जो है फिर 3 के टेबल में आता है, 3 3 9 3 1 3. अब हमने लिखना है, यहाँ पर लिखेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन. तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3. अब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 27 का क्या है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3. अब हमने कॉमन नंबर निकाल लेना है. इसमें कॉमन नंबर कौन कौन से हैं, कॉमन नंबर जो हैं 3 है. देखो कॉमन नंबर कैसे हुआ, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 रिपीट है, तो हम नहीं लेंगे. ये दोनों रिपीट है हम लेंगे, ये भी रिपीट हो रहा है दोनों में, तो लेंगे. तो कॉमन नंबर 3 and 3 है. तो हमारा HCF क्या होगा, HCF ऑफ 18 and 27 क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9. ये हमारा आंसर है. बी पार्ट है हमारा 21 और 63. इसमें भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड है वो यूज़ करना. 21 को प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने HCF पता करने के लिए यूज़ करना है. तो देखो 21 2 के टेबल में आता है, नहीं आता. 3 के टेबल में आता है, कब आता है, 3 7 21. 7 भी देखो और किसी टेबल में नहीं आता, खुद के टेबल में आता है, 7 1 7. अब हम लेंगे 63. अब 63 देखो किसके टेबल में आएगा, सबसे पहले तो ये 2 के टेबल में आता है, नहीं आता. ये आएगा 3 के टेबल, 3 1 3 3 2 6. ओके, अगर आपको टेबल नहीं आता तो आप यहाँ पर साइड में डिवाइड करके देख लोगे, ऐसे डिवाइड करोगे. देखो 63 को 3 के साथ डिवाइड करो, 3 2 6 3 रह गया, 3 1 3. तो ये आ गया 21. अब 21 जो फिर 3 के टेबल से आएगा, 3 7 21 7 1 7. तो हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 21 इज 3 मल्टीप्लाई 7. प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 63 इज 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7. तो कॉमन इसमें कौन से नंबर हैं, कॉमन नंबर तो एक 3 है, कॉमन फैक्टर जो है वो कौन सा, एक 3 है और एक 7 है. देखो ये वाला 7 and 7. तो HCF क्या होगा हमारा, HCF इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 7. अब हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 7. तो 3 मल्टीप्लाई जब 7 करोगे तो हम लिखेंगे टेबल 3 7 21. तो हमारा आंसर आएगा 21. नेक्स्ट है हमारा 18 100.
इसी का भी सेम उसी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से यूज़ करोगे, 80 को 2 से जाएगा पहले 40, फिर 2 से 2 20 ज़ा 40, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। इसी तरह अब 100 से देखो, 2 के टेबल से जाएगा 2 50, फिर 2 से जाएगा 2 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। अब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 80 क्या है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 है मल्टीप्लाई 5, और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 100, 100 के क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो अब हमने इसमें कॉमन नंबर निकालने हैं, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर इसमें कौन से हैं, देखो कॉमन फैक्टर ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, और एक 5 रिपीट हो रहा है, देखो दोनों में, तो ये कॉमन ना हुए 2 एंड 5। ओके, तो हमारा HCF क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20, तो 20 है जो हमारा आंसर है, 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20, 20 जो है हमारा आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, लाइक दिस यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर, लाइक दिस स्टूडेंट्स यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 3 इन योर फेयर कॉपी एंड यू हैव टू प्रैक्टिस इट। एंड क्वेश्चन नंबर डी दैट 42 and 98 इज़ योर होमवर्क, यू हैव टू सॉल्व इट्स योर सेल्फ एंड कम्प्लीट योर कॉपी विथ क्वेश्चन नंबर 3। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।